धनबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के पक्ष में बाबूलाल मरांडी ने बयान दिया है। उन्होंने विधायक सरयू राय के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ढुल्लू महतो कोई अपराधी नहीं है और सरयू राय जज नहीं है। नहीं, हमने कहा कि हमारे प्रत्याशी ने लिख करके दिया है थाना को, इसकी जांच होनी चाहिए। और प्रिंस खान आज से नहीं, पहले से, मैंने खुद डीजीपी से बात किया है पहले, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जब धनबाद में हत्या होने लगी और मैं धनबाद में गया था मीटिंग करने, और इसके बाद मैंने उनसे बात किया था डीजीपी को, ये क्या हो रहा है। डीजीपी ने कहा कि सर वो विदेश में रहते, हमने कहा कि भाई उनके जो गुर्गे हैं यहाँ, जो लोग उनका टेलीफोन रिसीव कर रहे हैं, उन चार लोगों को पकड़ करके अब ठोक दीजिए डंडे से। अब इसके बाद कोई अपराधी फिर उनका कोई मोबाइल नहीं उठाएगा, क्या बात करते हैं। सरकार ये सारे अपराधियों को प्रोटेक्शन देती है और इसके बाद बात करते हैं। सरकार चार साल से उनकी यहाँ चल रही है, प्रिंस खान चार साल से वो यही धंधा कर रहे हैं। और जिस दिन बीजेपी की सरकार बनेगी, मैं आपको बताता हूँ, कोई प्रिंस खान का टेलीफोन झारखंड की धरती में रिसीव करने वाला आदमी हिम्मत नहीं जुटा सकता है। अरे हमने क्या कहा, इन्होंने भेजा है, क्या भेजा है वो केंद्र करेगी, वो एक प्रोसेस होता है। लेकिन मैंने सीधा डीजीपी से बात किया था, आज से नहीं, मैं 6 महीना पहले या 3 महीना पहले मैंने बात किया था। और मैंने डीजीपी को साफ साफ कहा था, बाकी जो कार्रवाई होगी कानूनी तो होगी। आखिर कोई तो कोई ऑपरेट कर रहा है जो उनका टेलीफोन यहाँ रिसीव कर रहा है, पैसे वसूल कर रहा है, उनको आप चिन्हित करिए ना, और चार लोगों को ठिकाने लगा दीजिए, यथा जगह उनको भेज दीजिए। इसके बाद किसी की मजाल नहीं होगी कि अपराधियों का उठा लेंगे टेलीफोन। ढुल्लू महतो क्या है, एक विधायक है हमारे और आज प्रत्याशी है बीजेपी के। नहीं, अपराधी नहीं है वो। अरे भैया, इतना वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने कौन सा सम्मान दिया बताइए। आज तो बीजेपी ने ट्राइबल के महापुरुषों को, ट्राइबल को कितना मंत्रिमंडल में जगह दिया, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं, देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया, क्या बात करते हैं साहब। कौन खड़ी है, हम ले अडवाणी जी का उम्र देख रहे ना कितना है। हाँ, क्या कहा जा रहा है, अरे भाई क्या आंकड़े गिनाएगा वो, क्या आंकड़े गिनाएगा। अच्छा, विपक्ष के पास आंकड़े गिनाने को क्या है। अच्छा, हमने कहा कि देखिए भाई, मैं कह रहा हूँ कि बगल में लालू यादव है ना, सजा याफ्ता है, चुनाव भी नहीं लड़ सकते है, कितना साल का सजा आप सबको पता है। वो एनडीए गठबंधन का वो क्या बोलते हैं नैरेटिव सेट कर रहा है, और वो कहेगा कि वॉशिंग मशीन में, तो क्या आप लोग भी बात कर रहे हो भाई। वो लोग जो बात करते हैं, क्या कौन बात करता है, कौन लोग हैं, अरविंद केजरीवाल उनके, हम तो बताएं ना, मनीष सिसोदिया जी जेल में है कितना दिनों से, अगर वो भ्रष्टाचार नहीं किए थे तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उनको बेल दे दिया होता। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।